तो अभी हम लोग जाएंगे, डेकोरेशन का वगैरह देखेंगे। चलो यार, ये ब्लू वाला ड्रेस भी देखो ना, कितना अच्छा है। पेंशन में आ गए ये दोनों। चलो। काश यार ये सारे ड्रेस है ना, मैं अपने घर पे ले जा सकती थी। आपको इन सब साड़ियों में से कौन सी वाली साड़ी अच्छी लग रही है बताओ तो कमेंट्स में। अभी हम लोग डेकोरेशन के बारे में पता करने जा रहे हैं। प्लीज फोटो। हाँ हाँ बिल्कुल। पापा बोल रहे बेहोशी में मत चलो। तो ये आ गए हम डेकोरेशन के बारे में पूछने के लिए, हमें कैसे कैसे डेकोरेशन करना है। मम्मी आप ही अभी बताओ कैसे करना है डेकोरेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखो। तो यहाँ पे अभी हम आए हमारा टेरेस डेकोरेशन का ऑर्डर देने के लिए, और हम है ना यहाँ की बहुत सारी चीजों से हमारा टेरेस एकदम अच्छे से डेकोरेट करेंगे, और हम हमारे टेरेस पे सेल्फी पॉइंट भी बनाने वाले हैं। पापा उधर है ना सब डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है 6 मिलियन का सेलिब्रेशन, और यहाँ मेरी मम्मी देखो कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी कुछ तो गड़बड़ है, बताओ अभी जल्दी से क्या गड़बड़ है। हॉल में रखने के लिए ना अच्छा सा फ्लावर पॉट लगाई था मेरे को, ये गड़बड़ है। तो मम्मी यहाँ पे कुछ ना कुछ देख रही है, नहीं तो फिर पापा आ गए ना सीधा हमको लेके चलेंगे। इस बार है ना कुछ कलरफुल वाला फ्लावर पॉट लेते हैं मम्मी, क्योंकि लास्ट टाइम हम ये देखो ये यहाँ पे ये ऐसे ग्रीन कलर का लेके गए थे ना, ये वाला भी मस्त है ना, पर ये चिक्कू ऐसे रखेगा नहीं। हाँ वीडियो में भी ओरिजिनल लग रहा है ये। ले लो फिर। ओए पापा आ गए। हाँ वो येलो वाला भी अच्छा है, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। देखो क्या है, पापा ये लेना है। अरे वो सब बाद में, वो अभी वो घर पे आएंगे ना देखेंगे कैसा डेकोरेशन करने क्या करने का। तो ये घर पे थोड़ी ना लेके आएंगे वो। अरे तो बाद में ले लो ना उसको। देखो 2500 रुपए झाड़े वो क्या वो एकदम रियल लग रहा है ना। नहीं ठीक है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यही रहने दो उसको। तो जब आप सब लोग मुझसे मिलते हो ना, तो मुझे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने ना यहाँ से चीकू बेबी के लिए एक बलून भी लिया। तो मेरा जो ड्रेस अल्टर करने के लिए डाला था ना, वो अभी तक नहीं हुआ यार। हम इतना मार्केट वगैरह घूमे, तो हम एक काम करेंगे कल ही आके ड्रेस लेके चले जाएंगे। तो ये मेरे पास मेन टेंशन तो अब यहाँ से शुरू होने वाली है। अभी हमने ड्रेसेस की शॉपिंग की है, लेकिन हमने जो ढेर सारे कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर किए थे ना, वो भी आ गए। अभी डिलीवरी वाले का फोन आया था, अब पापा के सामने वो डिलीवरी लेंगे तो वाट लग जाएगी। ये ऐसे बिना बोले जब तुम ऐसा ऐसा शूट करते तो ये कब बोलते, वो एडिटिंग के टाइम पे बोलते क्या? हाँ। तो अभी जो ऐसे तुम अभी बोल रही थी, वो क्या बोलने वाली एडिटिंग के टाइम पे? मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। वो जब एडिट हो जाएगा तब आगे। अब पापा को क्या पता कि मैंने क्या वॉइस ओवर किया। पापा जाते जाते ना थोड़ा रास्ते में रुका देना। क्यों? वो थोड़ा काम में मुंह में। पानी पूरी भी नहीं मत खाओ यार। नहीं खानी है पानी पूरी। अरे सिग्नल छूटा गया। हाँ ना सिग्नल छूटा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मुंह उठा के आगे चल देते। और वो डिलीवरी वाले भैया यहीं पीछे रुके हैं। पीछे चलो पापा, अपने को पीछे जाने। अरे वो आएगा इधर क्या, क्या लेकिन क्या पार्सल है? पार्सल है, पार्सल है, अपने को उधर ही जाने का है ना। पन क्या पार्सल मंगाया ले तुमने? पापा रुको ना, पहले पार्सल को कलेक्ट कर लेने दो, फिर उसके बाद में आराम से फुर्सत से बताएंगे आपको। वो रहा छोटा हाथी। पता क्या ही है? रुको ना पापा, कितना हो गया? कितना? मम्मी फोन दो। कौन सा? ब्लू वाला। अरे ये 11,500 रुपए का है ये। ब्लू फोन नहीं है मेरे पास। तुम तुम्हारे से करो पेमेंट। तो दो ब्लू फोन, दो जल्दी से, दो जल्दी पकड़िए।
हो गया अंकल, एक बार चेक कर लो। थैंक यू। चलो पापा भी। तुम हद पार नहीं कर रहे क्या? अभी कपड़े खरीद के आया और ये तुमने कपड़े मंगाए वाले? और ये एक महीना पहले मंगवाए थे मैंने। दो महीना पहले मंगवाए थे। उसकी डिलीवरी लेट आई और उसकी डिलीवरी आज ही आई। मैं क्या करूँ? हाँ ना, आज ही आई उसकी डिलीवरी, हम क्या कर सकते। तुम है ना बहुत एकदम है ना, तुम अति कर रहे। भला क्या अति कर रहे तुम? पापा सॉरी। अरे वो बोले तो क्या 11-12 हजार रूपए की सॉरी रही थी क्या? बर्थडे मंथ चल रहा है ना पापा, इट्स माय बर्थडे मंथ। आप बिल्कुल नहीं चिल्लाओगे? प्रॉमिस करो ना। चुप है। प्रॉमिस तो करो ना, ये मेरा बर्थडे मंथ। हाँ रुको ना, कृष्णा को भी लेने का है स्विमिंग के लिए। हाँ ये क्या आप ऐसे कर रहे हो? तो हम ना स्विमिंग वगैरह करके सब करके घर पे आ गए। बाप रे बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो इसको है ना कल अनबॉक्स करेंगे ठीक है? बस ना पापा, अब तो स्विमिंग भी कर ली, अब तो खुश हो जाओ पापा। इसकी जरूरत थी नहीं? थी, वो 2 महीने पहले ऑर्डर किया था। जैसे बिल्कुल मालूम ही नहीं है हम कल ही पैदा हुए वाले। सच्ची मम्मी आप बताओ, 2 महीने पहले ऑर्डर किया था मैंने। हाँ, वो लेट आता अपने सिटी में ऑर्डर। अच्छा आज ऑर्डर किया तो अभी मेरे सामने ऑर्डर करो, 1 महीने बाद मिलता। खाना ये दीदी ने ना मेरे को इतना अच्छा ये बलून लाके दिया ना, लेकिन ये बलून के ऊपर ये पता नहीं ये कौन सा तोता आके बैठ गया, ये हरे कलर का तोता। तो ये तोते को भी है ना मैं ऐसे नीचे पटक पटक के इसको है ना वो बलून पे से उतार डालूंगा मैं। वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा वो तोता बैठे वाला है मेरे बलून के ऊपर। ए उतर तोते नीचे उतर। बताओ आप गर्ल्स कमेंट में ठीक है? देखो मुझे ना ये सब ओपन कर लेने दो, फिर सबसे लास्ट
अच्छी है और कितनी अच्छी जीन्स है, एकदम टाइट फिटिंग वाली है ये जीन्स। ये भी मैं आपको एंड में पहन के दिखाऊंगी, ठीक है। मुझे जीन्स भी बहुत पसंद है पहनना। ये ब्लैक कलर का है, मुझे है ना ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैं यही ओपन करती हूँ। ये टॉप तो नहीं है ब्लैक कलर का, क्या हो सकता है यार इसमें? नॉट टाई जैसा, आई थिंक टॉप ही है। अरे ये तो पैंट है। ऐसी पैंट है ना मेरे पास पहले भी थी, नॉट टाई करने वाली। ये भी मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। मम्मी अभी आप चूज करो मैं क्या ओपन करूँ। हाँ वैसे तो सब गिफ्ट ही है मेरे लिए। ये देखो ये भी एक जीन्स ही आई थी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। वाओ ये देखो ये वाली जीन्स भी कितनी मस्त है। ऐसे तो फैशन चल रही है ना यार आजकल। ये भी मस्त है यार, दोनों देखो ना, अभी ये दोनों ब्लैक कलर में। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कौन सा वाला ओपन करूँ, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट 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 कलर है। बताओ कौन सा वाला ओपन करूँ, ये वाला? ठीक है ये वाला ओपन करती हूँ। टॉप तो नहीं, देखना क्या है। ओह माय गॉड ये भी पैंट्स ही है देखो। वाओ कितनी सुंदर है। हाँ और इस पे चैन भी है, और अच्छी लगेगी, मस्त है। अब बचा ये एक ब्लैक, इसको भी फटाफट ओपन करती हूँ। वाओ मैंने ना मम्मी को बहुत दिन पहले बोला था कि मुझे ना ऐसे वाले पैंट्स चाहिए। देखो गर्ल्स अभी आपको है ना इसके डिजाइन नहीं समझ में आएगा, जब मैं इसको पहनूंगी ना तब आपको है ना प्रॉपर डिजाइन समझ में आएगा। अभी बच्चे है मेरे, ये देखो ये जैकेट के अंदर पहनने वाले इनर वेयर। ये जैकेट के अंदर नहीं पहनते हैं वो वाले, ये एक ब्लैक कलर में भी है व्हाइट के जैसी। अच्छा नहीं, जैकेट और ऐसी लूज वाली जीन्स होती है ना उस पे अच्छा दिखता है, मैं पहन के भी दिखा दूंगी। और ये एक जैकेट है, सॉरी जैकेट के अंदर पहनने के लिए, ऐसी देखते ठीक है। अब ये सब ठीक है, अब मैं अरे और एक है ना, और एक है सरप्राइज है ना नीचे देखूंगा। हाँ 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 ये एक है, उसके बाद और भी है कुछ और एक है। नहीं है मम्मी नहीं है। हाँ हाँ है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने देखा नहीं ठीक से, सॉरी। देखो ये रहा मेरा सरप्राइज, खोलो इसको। हाँ खोल दे, अभी अच्छे से रखा। हर मम्मी का यही डायलॉग होता है। रुको मैं ना चैन भी पहनती हूँ और कोई एक है ना आउटफिट भी पहनती हूँ। हाँ हाँ दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई, मुझे दिख क्यों नहीं रहे चैन, नीचे थे शायद वो। वाव कितनी सारी चैन है ये मम्मी। वाव ये चैन बहुत मस्त है मम्मी, देखो मैंने ना ये चैन पहनी है, कैसी लग रही है। और बाकी ये जो है ना ये दोनों ब्रेसलेट है हाथ के। अभी मैं क्या सोच रही थी मम्मी, मैं कौन सा वाला ड्रेस पहनूं? ये वाला पहन के दिखा, ये एयरपोर्ट वाला। हाँ जैसे हीरोइंस पहनते ना एयरपोर्ट पे। ठीक है मैं अभी आई, एकदम एयरपोर्ट वाला लुक बना के आती हूँ। मम्मी आ जाओ क्या? हाँ आ जा, आ जा ना दिखा तो सही। मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो अभी मैंने ये पिंक कलर का स्कर्ट और ये ब्लैक कलर अच्छा लगेगा ये कॉम्बिनेशन में। अभी आई मम्मी आ जाओ। हाँ आ जा। ये वाला ड्रेस बहुत ज्यादा क्यूट है। वाओ इसमें बार्बी डॉल ही लग रही है। आई कैसा लगता है? अच्छा ना, मेरी नानी को भी पसंद आया पता है। ये देखो मस्त है, एकदम प्यारा लग रहा है। तो अभी है ना मैं ये ब्लैक कलर की लेगी ट्राई करती हूँ, क्योंकि है ना इसकी डिजाइन आपको समझ में नहीं आएगी। अभी मैं ट्राई करके दिखाती हूँ, फिर आपको क्लियर समझ आएगा। आप देखो अब आपको इसकी डिजाइन समझ में आई, कितना मस्त है ना, एकदम फिटिंग में आ गई मुझे ये लेगी। अच्छी तो लग रही है। अच्छी लग रही है ना? कैसे कैसी आई? ये देखो ऐसे नानी को समझ में ही नहीं आई इसकी डिजाइन। अब नानी के पसंद का ट्राई करेंगे, आई तो चश्मा सामने का है। ये ना भी नचेगा? हाँ अच्छी कशी सुनिया सर, यही फैशन है।
आशा होता ना तो तुला आले नानी बोल रहे ऐसे बहुत सारे थे ना तेरे पास आशा होता ना दूसरी गाना चाहिए बदलो कौन सा घालू ते सांग ना ही गाना ये वाला ब्लैक ट्राई करती हूँ नोट टाई वाला बहुत अच्छा है अच्छा है ना ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी पैंट एकदम मस्त है वो फिश कट वाला होता है ना वैसे लग रहा है कि नहीं गर्ल तो अभी बस दो ही कपड़े रहे हैं ये देखो ये ब्लैक वाली एक लेगी और वो वाली एक जीन्स तो मैं ये ट्राई करके आती हूँ पहले देखो ये रही वो फिश कट वाली पैंट ये भी ऐसी ही है बारी है देखो ये रे डेनिम जीन्स जल्दी से इसको ट्राई करके आती हूँ एंड लास्ट है ये जीन्स देखो मुझे ना जीन्स पहनना बहुत ज्यादा पसंद है और इसको भी है ना नीचे से ऐसे कट है देखा तो आप सब भी बताना कि आपको है ना इन सारे ड्रेसेस में से कपड़ों में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा ओके और मम्मी थैंक यू सो 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 मच मेरा बर्थडे मन चल रहा है और आपने मुझे इतना खुश किया ना मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा यार जीन्स देखा ना अब यहाँ पे अपन ऐसा डेकोरेट कर लेंगे पूरे ये वॉल डेकोरेट कर देंगे उधर बनाएंगे अपना बैकग्राउंड बनाएंगे उधर उसके बाद इधर एक सेल्फी पॉइंट बना डालेंगे हाँ। और वहाँ पे वो 6 मिलियन उधर लिख डालेंगे एलईडी फोकस वगैरह पूरा वो लाइट वाइट एलईडी वगैरह सब जैसे रहता सब बहुत अच्छा करना भैया बलून भरने को ना लेकिन पूरे हाँ। पूरा एकदम रेडी झाड़ वगैरह हाँ। पूरा लगा के पूरा एकदम मस्त ऐसे साइड से पूरे ऐसे सब झाड़ लगा देंगे ऐसे पूरे अरे जितना लाइट रहा उतना ज्यादा अच्छा लगता है झाड़ों को अगर लाइट से डेकोरेट करे तो और अच्छा दिखता ना वो वो तो है तो पापा है ना अभी केटरिंग वाले से बात कर रही कि है ना सेलिब्रेशन में हम क्या खाने के लिए रखने वाले चलो पापा से ही पूछते पापा डिसाइड कर लिया आपने क्या रखने वाले खाने के लिए बिरयानी रखने की नहीं नहीं बिरयानी नहीं तो वेज पुलाव बोला मैंने वेज पुलाव गुलाब जामुन वाह गुलाब जामुन भी हाँ, और क्या बोलते है रायता अच्छा ये तीनों रहेगा आप क्या आप पेमेंट कर रहे हो चलो सही है वेज पुलाव भी रहेगा गुलाब जामुन रायता ये सब ठीक है एकदम टेस्टी टेस्टी रहेगा ना सब कुछ अच्छा अभी सुनो मैं ना मम्मी को क्या बोलूंगी कि पापा ने ना 6 मिलियन के सेलिब्रेशन के लिए ना सबके लिए बिरयानी मंगाई है सब बिरयानी खाने वाले मम्मी हाँ? आपको पता है पापा ने मेन्यू का क्या ऑर्डर दिया है चुप रह रहे एक मिनट क्या बिरयानी क्या हाँ चल पापा से बात चलो 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 जल्दी से हम पापा से बात करेंगे ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा बिरयानी कौन खाने वाला है ऐसे थोड़ी होता पप्पा सभी बच्चे बिरयानी थोड़ी खाते हैं अरे कौन बिरयानी ऑर्डर करा लेकिन आपने तो बिरयानी ऑर्डर किया इसने तो बोला मुझे मुझे बोलती क्या हूँ ये ना वेज पुलाव वेज बिरयानी वेज बिरयानी मैंने सिर्फ बिरयानी सुना पप्पा वेज नहीं सुना उसके आगे का पुलाव बोला क्या बिरयानी बोला उसने अरे बाप रे पप्पा मतलब आपको ही कंफर्म नहीं है लो बताओ पप्पा को ही कंफर्म नहीं है अरे वेज बिरयानी होना चाहिए पुलाव क्या सुखा राइस खा के क्या करेंगे अरे वो वेज पुलाव है क्या वेज बिरयानी क्या बोले वाला है हाँ वो पुलाव नहीं वेज बिरयानी चाहिए जिसमें ना सब वो सब्जी वब्जी मटर वटर सब रहता ना गाजर मटर ये वो सब वैसा मिक्स वेज जैसा हाँ वो वाला वेज बिरयानी चाहिए नहीं तो सुखा सुखा पुलाव हो जाएगा देखो हाँ कंफ्यूजन नहीं होने को ना हो गया कंफर्म अरे अभी वो क्या बोलते तेरा मामा कंफर्म कर रहा चलो तेरा मामा भी घर पे दिमाग छोड़ के जाता पप्पा रहने दो ना मम्मी वेज बिरयानी है टेंशन मत लो सिक्स मिलियन सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां हो गई है बट बारिश रोज आ रही है प्लीज भगवान कल बारिश नहीं आनी चाहिए वरना सेलिब्रेशन खराब हो जाएगा अब देखते हैं कल क्या होगा बट जो भी होगा सेलिब्रेशन तो होके रहेगा एंड हम बहुत सारे गेम्स भी खेलेंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और सेलिब्रेशन की वीडियो में